अपने चाचा का नहीं हुआ, अपने परिवार का नहीं हुआ, वो देश का क्या होगा। अगर वो सपा का साथ दे रही हैं तो केस वापसी कर लें, कोर्ट से केस रद्द करवाएं, जो गेस्ट हाउस कांड का चल रहा है। अब जीत के तो दिखाओ, आपकी 5 सीट भी आ जाएं, बाबा साहब की मूर्ति लगो, सबसे पहली माला हम पहनेंगे भाजपा वाले। जनरल वी के सिंह जी ने इतना काम करवाया, गाजियाबाद का नाम रोशन कर दिया, 90% मुसलमान उसका फायदा उठा रहे हैं। पति तो चोर हो और भाई चूतिया हो, वो राजनीति में आ रही हैं। संतों का शराब लगेगा उसे, संत मारेंगे उसे, चर्चा नहीं होगी, राम मंदिर बनेगा। भड़ुआ राहुल गांधी हाथ की साइकिल को दबा देगा, साइकिल पर बैठा देगा और उस पर फूल हम चला देंगे तो सरकार हमारी बन गई। नमस्कार दोस्तों, जिस तरीके से अभी 2019 के चुनाव में जो मुलायम सिंह जी ने खलबली मचा दी है कि सपा के जो भी कार्यकर्ता हैं या उनके समर्थक हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आपका शुभ नाम क्या है? डॉक्टर गिन्नी बंसल। तो जिस गिन्नी जी एक बात बताइए, जिस तरीके से मुलायम सिंह जी ने बोला है कि 2019 में दोबारा से प्रधानमंत्री बन करके आएँ और साथ ही साथ बोला है कि जितने भी प्रधानमंत्री के प्रतिनिधि हैं वो दोबारा से चुन करके इस सदन में आएँ और 2019 में फिर दोबारा से मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए उन्होंने आह्वान किया है। देखिए जी, इस बात की शुरुआत से पहले मैं कहना चाहूँगा, कसम राम की खाते हैं, सरकार मोदी की बनाएंगे और सरकार बनने के बाद मंदिर वहीं बनाएंगे। तन मन धन और गन से हम मोदी जी के साथ हैं, मोदी जी की सरकार बनेगी। मुलायम सिंह यादव जी ने अपने सारे पाप ढो डाले। जिस तरीके से आपने कहा है कि तन मन धन और गन, तो जिस तरीके से सपा के कार्यकर्ता गन के बल पे चुनाव लड़ते हैं या फिर अभी हाल ही ताजी में जो अखिलेश जी को प्रयाग नहीं जाने दिया, उन्होंने जिस तरीके से हंगामा खड़ा किया, तो आप भी यही चाहते हैं कि वही रूप आप भी लें गन के साथ? नहीं नहीं, हमारा गन से मतलब यहाँ पे ये नहीं था कि हमारा कार्यकर्ता या भाजपा परिवार का कोई भी सदस्य गन लेके सड़क पर जाए। जिस तरह से ममता बनर्जी ने योगी जी को उनकी धरती पर आने से रोका, कोलकाता, क्या कोलकाता देश का हिस्सा नहीं है? इतने बांग्लादेशियों को उन्होंने वहाँ पर शरण दे दी। जिस तरह से ममता बनर्जी ने वहाँ पर रोका, मैं वचन देता हूँ मेरे शहर गाजियाबाद में ममता बनर्जी या ओवैसी या कन्हैया कुमार आकर दिखाए, ठुकाई ऐसी करूँगा समझ में नहीं आएगी, चाहे जेल हो जाए या फांसी हो जाए। जिस तरीके की जो आप बात कर रहे हैं ये तो एक तरह से हिंसा वाली बात हो गई, जबकि भाजपा कहती है कि मेरा परिवार, भाजपा का परिवार इस तरह की बातें करते हैं, तो आप तो जिस तरीके से विरोधी पक्ष की जितनी भी पार्टियां हैं वो जिस तरीके से करती है, आप भी वही रूप देखना चाहते हैं? रूप हम वो लाना नहीं चाहते, लेकिन वो हमें मजबूर कर रहे हैं। मेरा परिवार भाजपा का परिवार, शालीन परिवार, समृद्ध परिवार और हाथ जोड़ के काम करने वाला परिवार, हम सभी देशवासियों के हाथ जोड़ के नमस्कार करते हैं। लेकिन ऐसे विरोधी हैं, वो मुसलमान है, वो ममता बनर्जी, वो हमारा विरोध करेगी, योगी जी का विरोध करेगी? अभी तो योगी जी के ऐसे भक्त हैं। नहीं, ममता बनर्जी किस तरीके से मुसलमान है? ममता बनर्जी का आप इतिहास में देखो, गूगल में पढ़ो, ममता बनर्जी मुसलमान है। इतने बांग्लादेशियों को शरण दे दी, यहाँ पे गाजियाबाद में आप जो कभी नगर इंडस्ट्रियल एरिया पड़ता है, कई इंडस्ट्रियों में बांग्लादेशी काम कर रहे हैं जिनपे पासपोर्ट तक नहीं है। तो गाजियाबाद वालों की ये कमी रही होगी कि उन्होंने बिना पासपोर्ट के जॉब दे रहे हैं? आज तक गाजियाबाद वालों की कमी रही नहीं रही, लेकिन इस पर मैं बहुत जल्दी एक्शन लूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अब वो बिना हिंसा के हो या अहिंसा के हो, मैं उससे डरने वाला नहीं हूँ। अच्छा, जिस तरीके से अभी सपा और बसपा का भी गठबंधन हुआ है, तो साथ ही साथ कहीं ना कहीं मुलायम सिंह ने इसको दूसरी तरीके से बिगुल बजा दिया है, तो कहाँ तक ये सपा बसपा का गठबंधन खड़ा रहेगा और या सपा के जितने भी समर्थित हैं, समर्थक हैं, वो उनके साथ रहेंगे या फिर मुलायम सिंह जी की बात को वो अपनाएंगे? दो लोग हैं इसमें, अखिलेश यादव और मायावती जी, दोनों के बारे में एक बात कहना चाहूँगा। जो अखिलेश यादव के बारे में, पहली बात, जो आदमी अपने पिताजी का नहीं हुआ, अपने चाचा का नहीं हुआ, अपने परिवार का नहीं हुआ, वो देश का क्या होगा। दूसरी आ गई मायावती जी। मैं बहन कुमारी मायावती जी से ये हाथ जोड़ के विनती करूँगा, अगर वो सपा का साथ दे रही हैं तो केस वापसी कर लें, कोर्ट से केस रद्द करवाएं, जो गेस्ट हाउस कांड का चल रहा है उस केस को वापसी लें, तभी तो जनता मानेगी इनका गठबंधन हुआ है। 38 सीटों पर बसपा लड़ रही है, 38 पर सपा लड़ रही है। अब जीत के तो दिखाओ, आपकी 5 सीट भी आ जाएं उत्तर प्रदेश में। केस वाली बात आती है तो कहीं ना कहीं 2009 में अखिलेश ने भी मायावती जी पर एक केस किया था कि जो मूर्ति लगाई हैं और हाथी लगाए हैं उन पर कोर्ट में केस किया था और सुप्रीम कोर्ट ने उनके लिए बोल दिया है कि जो जनता का पैसा है उसे वापस करना होगा। बिल्कुल सही बात है।
अब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति लगाई है, उन्होंने संविधान रचा है, हम उनका सम्मान करते हैं बाबा साहब का, बाबा साहब की मूर्ति लगाओ सबसे पहली माला हम पहनेंगे भाजपा वाले। हाथी की मूर्ति लगाने का क्या तात्पर्य है? आपने इतनी सारी हाथी की मूर्तियां लगा दी और आप मोदी से कहते हो सरदार पटेल की मूर्ति क्यों लगाई है? सरदार पटेल के बारे में जानते हैं क्या आप? तो ऐसे ऐसे बेवकूफ पागल घटिया जो नंग है वो लोग बैठे हैं विपक्ष में, जो ये महागठबंधन होना है ना, ये ठगबंधन है, महाठगबंधन। वो कहते हैं ना चिड़िया बैठी पेड़ पे, चिड़िया ने दिया मुंह महागठबंधन की माँ की आंख और सारे विपक्षों की। तो जिस तरीके से अब गठबंधन तो बन ही गया है, बिगुल बजी गया है, अब जिस तरीके से सारे गठबंधन एक बार बंगाल में इकट्ठे हो जाते हैं, फिर उसी तरह से दिल्ली में भी इकट्ठे हो जाते हैं और वहाँ पे कहते हैं कि ये तानाशाही सरकार है, इसको हटाओ और लोकतंत्र को बचाओ, तो कहाँ तक लगता है कि आपको कि लोकतंत्र भी खतरे में है क्या? महागठबंधन में कौन है? ममता बनर्जी के बारे में मैंने बता दिया, अखिलेश यादव के बारे में मैंने बता दिया, मायावती के बारे में मैंने बता दिया, छोटा चोर आ गया अरविंद केजरीवाल जो शीला दीक्षित के खिलाफ चोरी किया और उसके आरोप लगाता था फर्जी, आज वो कह रहा है कि शीला दीक्षित का साथ दूंगा। और बताओ अब कौन सा विपक्ष का रह गया? सारे विपक्षी चोर हैं कुल मिला के। आप 4.5 साल में काम देखो, पेरिफेरल हाईवे बना, KMP रोड, एलिवेटेड रोड बना, मेट्रो गाजियाबाद आ गई, जनरल वी के सिंह जी ने इतना काम करवाया, गाजियाबाद का नाम रोशन कर दिया, 500 सिलेंडर मैंने खुद दिलवाए हैं गरीब परिवारों को उज्ज्वला योजना के तहत, BPL परिवार है उसका इलाज नहीं हो रहा, सरकार आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख रुपए दे रही है, 90% मुसलमान उसका फायदा उठा रहे हैं। जिस तरीके से विरोधी पक्ष आरोप लगाता है मोदी सरकार पर कि 2 करोड़ रोजगार देने की बात की थी, 200 लोगों को भी रोजगार नहीं दिया, इस तरह की आरोप प्रत्यारोप, तो अब देखो ना ईडी वहां पति तो चोर हो और भाई चूतिया हो, वो राजनीति में आ रही हैं, क्या राजनीति परिवारवाद की रह गई क्या? कि आप 50 साल से सो रहे हैं और इलेक्शन आ गए तो आप राजनीति में आके 14 घंटे काम करके दिखा रही हैं, आप हैं क्या, क्या शख्सियत है आप? हुई प्रियंका गांधी है क्या? वो कांग्रेस की महासचिव, प्रियंका गांधी नहीं, वो प्रियंका वाड्रा है, वो फिरोज खान की पोती है, ये मुस्लिम परिवार है, इंदिरा गांधी राजीव गांधी एक्सपायर हुए तो क्यों पढ़ा जाता है वहाँ कमला? मुसलमानों के जो रीति रिवाज होते हैं वो रीति रिवाज इनके घर में क्यों अपनाए जाते हैं? वो साला वो पहनता जनेऊ, उसे जनेऊ पहनने का अर्थ पता है? संतों का शराप लगेगा उसे, संत मारेंगे उसे, संत मारेंगे, अभी तक भगवान उसको देगा सजा। संतों की तरफ से तो अभी ऐसी कोई प्रतिक्रिया है? संत सारे भाजपा के साथ हैं, भाजपा श्री राम मंदिर के समर्थन में, मैं श्री राम मंदिर के समर्थन पर हूँ, मैं अपना मकान बेच दूंगा, मैं श्री राम मंदिर में ईंट दूंगा। तो जिस तरीके से 2014 में BJP सरकार आई थी, उनका संकल्प था कि हम राम मंदिर बना करके देंगे, तो अभी तक तो कहीं नजर नहीं आता है राम मंदिर। देखो जी, श्री राम मंदिर के बारे में एक बात कहना चाहूंगा, इस बारे में थोड़ी सी मुझे भी बड़ी दुख है कि राम मंदिर अब तक क्यों नहीं बना। देश में हमारी सरकार है, प्रदेश में हमारी सरकार है, लेकिन अगर 2019 में हम दोबारा आते हैं, 100% हम आएंगे, पूर्ण बहुमत से आएंगे, राम मंदिर को लेके चर्चा नहीं होगी, राम मंदिर बनेगा। आपने योगी जी की बात सुनी होगी, 24 घंटे में तो राम मंदिर हम बना रहे हैं। 1971 में इंदिरा गांधी की सरकार बनने वाली थी, जगजीवन राम जी ने पूरा जीवन दे दिया इन्हें, इन्होंने उनके साथ क्या करा, उन्हें प्रधानमंत्री बनाने की जगह विपक्ष में चौधरी चरण सिंह जी थे, उनको समर्थन दे दिया। तो ये गांधी परिवार तो ऐसा परिवार है कि विपक्ष को समर्थन दे दे, ये तो चोर को घर में बांट लें, ये अंग्रेजों के साथ आप फोटो देखते हो जवाहरलाल नेहरू के, कोई एडिट करे हुए थोड़ी हैं, इन्होंने अंग्रेजों को समर्थन करा तभी तो इस देश की सोनी की चिड़िया से इन्होंने उसकी चिड़िया बना दी, लोहे की चिड़िया। तो अच्छा एक बात और, जिस तरीके से चौधरी चरण सिंह जी को समर्थन दिया था, अगर मोदी जी पूर्ण बहुमत में नहीं आते हैं तो कांग्रेस क्या मोदी जी को समर्थन करेगी? हमें ना कांग्रेस का समर्थन चाहिए ना हमें जरूरत है, नरेंद्र मोदी की सरकार बनेगी, मिशन 2019 पूरा होगा, 400 सीटें आएंगी, हम लाएंगे, हम अपनी जान लगा देंगे, कुछ भी हो जाए चाहे। सीटें तो 272 चाहिए, 272 चाहिए, हम 400 लाएंगे ताकि विपक्ष बचे ही नहीं। अब क्या तो ये कहते थे विपक्ष साफ हो गया, अब के ये कहेंगे विपक्ष पार्लियामेंट से ही साफ हो गया। तो जिस तरीके से अभी तो लोकतंत्र खतरे में, अभी जिस तरीके से बता रहे हैं, तो अगर जब विपक्ष में ही कोई नहीं बैठेगा तो फिर तो लोकतंत्र फिर तो खतरे में आएगा ही आएगा। लोकतंत्र खतरे में आना भी चाहिए। चीन ने कानून बनाया, चाइना ने, पॉपुलेशन कंट्रोल पे, वो कानून कैसे बनेगा जब लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा? जब अगर जनता का सेवक मोदी जी ऐसे काम कर रहे हैं जो जनहित में है,
यार आप देखो ना, बिना धर्म बिना जाति के देखते हुए उन्होंने लोगों की सेवा करी है। कांग्रेस का एजेंडा आप देखो, कांग्रेस अपने एजेंडे में कहती है कि 3 तलाक को हम खत्म कर देंगे। अरे मुसलमान बहनें जो हैं वो हमारी भी तो बहनें हैं, जो उसमें मक्कार लोग हैं, क्योंकि हर आतंकवादी मुसलमान, हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता, लेकिन हर आतंकवादी मुसलमान है, ऐसा क्यों है? जिस तरीके से नसुद्दीन शाह ने भी कहा है कि मुझे कहीं ना कहीं डर लगता है कि मेरे बच्चों से ये ना पूछ लिया जाए कि आप किस धर्म के हो, किस पंथ के हो, तो मुझे कहीं ना कहीं डर लगता है। बिल्कुल लगेगा, अगर आपके अंदर चोर है तो डर लगेगा। आमिर खान को डर लगता है, अबे बहनचोद जाके वहाँ बच जाना, पाकिस्तान में हमारे देश में क्यों रह रहा है? आमिर खान मेरे सामने आ गए, चाहे 50 बॉडीगार्ड उसके साथ, चाहे फांसी हो जियो, पकड़ के मारूंगा। देश में रह के हमारे देश से पैसा कमा कर, हमारे देश में फिल्म रिलीज करके हमारे देश के लिए ये कहता है कि मुझे इस देश में डर लग रहा है, क्यों रह रहा है यहाँ पे? ऐसे तो पाकिस्तान के काफी लोग भी हैं जो, अदनान सामी जी पाकिस्तान से यहाँ क्यों आए हैं? उन्हें पाकिस्तान में डर लग रहा था, अदनान सामी मुंबई में रह रहे हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया खा रहे हैं, बढ़िया पी रहे हैं, सही रह रहे हैं। अगर आप इस देश को अपनी माँ मानेंगे, इस देश का अपने आप को बच्चा मानेंगे, तो इस देश में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप सोचेंगे चोरी कर लूँ, इसकी खिलाफत कर लूँ, दलाली कर लूँ, तो आप हमेशा जीवन में परेशान रहेंगे। जिस तरीके से आरोप लगता है कि नोटबंदी है, फिर उसके बाद GST है, तो इनसे भी कहीं ना कहीं आम जनता को परेशानी हुई है। नोटबंदी में आम जनता छोड़ो मुझे परेशानी हुई है, GST में मुझे परेशानी हुई है। लेकिन अगर एक बात बताओ, वो कहते हैं ना कुत्ते की पूंछ 20 साल उसमें रख लो और टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी, लेकिन मोदी जी ने 70 साल बाद उसे सीधी कर दी। तो नोटबंदी है, GST है, इसका आप एक बात देखो, नोटबंदी का असर कितना हुआ पाकिस्तान में, आर्थिक व्यवस्था बेकार हो चुकी है। इंडिया की जो नोटबंदी है, क्या पैसा पाकिस्तान जा रहा था? वो जो जम्मू कश्मीर में आतंकवादी बैठे हैं और जिन हरामखोरों ने शरण दे रखी है, वो पैसा पाकिस्तान में जाता था, जिससे वो आतंकवाद फैला सके। नहीं हुआ। विपक्ष तो देखो आप, राहुल गांधी देखो, वो साला भड़ुआ राहुल गांधी। तो ये जिस तरीके से, नहीं आप ये बताओ, राफेल मुद्दे पे क्या कहता है राहुल गांधी? राफेल मुद्दे पे क्या कहता है? नहीं, एक बात बताइए, चोर बता रहा है, जिस तरीके से साला योगी सरकार ने बोला है कि, योगी ने भी बोला है कि अगर आतंकवादी यूपी की सीमाएं लांघे तो सीधी गोली मार दी जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, योगी जी ने बिल्कुल सही बोला है, और गोली मार देनी चाहिए। मैं कई लोगों से मिला हूँ, कई लोगों ने यह कहा है कि योगी सरकार बनने के बाद हमें डर नहीं लगता। डर क्यों नहीं लगता? वो लोग कौन है? वो व्यापारी लोग हैं जो 1 लाख रुपए से लेके 1 करोड़ रुपए महीने के कमाते हैं और टैक्स पे करते हैं, उनको डर क्यों नहीं लग रहा? पहले उनसे हफ्ता मांगते थे, अब ओए व्यापारी गोली मार देंगे पैसे दे। आज के टाइम में वो कहते गोली मार देंगे, सीधे फ़ोन 100 नंबर पे लखनऊ पहुँचता है। कार्रवाई नहीं हुई तो इंस्पेक्टर सस्पेंड, इंस्पेक्टर से भी नहीं हुई तो SP सस्पेंड। आप पिछले चार, जब से योगी सरकार बनी है जब से, और उससे पीछे के रिकॉर्ड देख लो, कितने तो बलात्कार हुए हैं, कितने आतंकवादी हमले हुए हैं, कितने व्यापारियों को गोली मार दी, कितने किडनैप हुए हैं, आप वो दिखाओ। और सुनो, उसके अलावा जो परेशान लोग हैं आप उनका देखो, कितनों के इलाज चल रहे हैं सरकारी अस्पताल में? 5 लाख रुपए तक का मोदी ने इलाज फ्री कर दिया, यूँ कह रहे 15 लाख रुपए अकाउंट में नहीं आए। अबे चोरो, कुछ तो शर्मिंदा हो जाओ। तो वो 15 लाख कब आ रहे हैं? स्विस बैंक में से। अब की बार सरकार बनी तो कई लोगों के चिट्टे खुलेंगे, वाड्रा की लंदन की प्रॉपर्टी का खुलेगा खुलासा, जो एक कह रहा है मेरी प्रॉपर्टी नहीं है, इनने गलत रूप से अरोड़ों के साथ मिलकर खरीदी थी, सारे पत्ते साफ होंगे। जब एक बात बताऊँ ना, गांधी परिवार का दामाद, वो चोर साला, जब वो फंस सकता है ED में, ये सुप्रीम कोर्ट को चोर बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट भाजपा की सुनता है, CBI भाजपा की सुनती है, CAG भाजपा की सुनती है, पुलिस भाजपा की सुनती है, तो एक काम करो ना, तुम ही देश पर राज कर लो। तो जिस तरीके से विपक्ष आरोप पर आरोप लगा रहा है, तो क्या उन आरोपों के बीच में मोदी जी का रथ रुकता हुआ नजर आ रहा है? हाथी चलते हैं तो कुत्ता भोंकता है, और 2-4 कुत्ते अगर उसके नीचे भी आ जाए तो कोई गम नहीं है। मोदी जी हाथी और साइकिल एक साथ है। हाथी साइकिल को दबा देगा, साइकिल पे बैठा देगा, और उस पर फूल हम चला देंगे तो सरकार हमारी बन गई। हर हर मोदी, घर घर मोदी, हर हर महादेव, घर घर महादेव। तो देखा दोस्तों आपने कि ये हैं मोदी के भक्त, हैं एक तरह से कह सकते हैं, और बेफिक्र होकर के इन्होंने बहुत ही गजब के अंदाज में इन्होंने अपनी बातें रखी, और चाहते हैं कि दोबारा से PM मोदी ही बने। सपा के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो भी अब रुख इधर ही मोड़ने के लिए तैयार हो चुके हैं। तो देखते हैं 2019 में किसकी सरकार बनेगी। जय हिंद, जय भारत।